कल हम लोग कमरे में बैठे बैठे परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी की चर्चा कर रहे थे, श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, आहा कितने अद्भुत महात्मा हैं। उनकी चर्चा जब आप लोग कर रहे थे तो हमें उनकी कुछ को, भारत में अभी भी कुछ संत दर्शनीय है, बाकी तो भैया प्रदर्शनीय है, बुरा ना मानना सांचौर वाले लोगों, तुम हमारी आत्मा हो, हम सच बात बोल रहे हैं, साधु हो जाना कठिन नहीं है, साधु बन जाना बहुत कठिन है। कपड़ा पहन लेना बहुत सरल है, बाल रखा लेना सरल है, माला पहन लेना सरल है, लेकिन भजन जीवन में उतारना और संत का आचरण जीवन में उतारना बहुत कठिन है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अभी भी अपने भारत में परम पूज्य जैसे पथमेड़ा वाले श्री गौरषि मनीषी परम पूज्य श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, क्या अद्भुत विभूति है। कभी फोटो टीवी पर नहीं आती, कभी फोटो नहीं खिंचवाते, कभी स्पर्श नहीं करवाते, क्या नियम है, क्या परंपराएं हैं। भारत में कुछ ही महात्मा हैं जो दर्शन करने योग्य हैं। आज ही आते समय हमारी बात बरसाने वाले परम पूज्य श्री विनोद बाबा जी से हो रही थी। आहा क्या विभूति है, श्री राधा रानी जी की कितनी अद्भुत भक्ति है। बात करते करते ही उनके नेत्र सजल हो जाते, 18-18 घंटे श्री राधा रानी जी का भजन करते, एक ही झोपड़ी में पड़े रहते, ब्रज छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते। भैया ऐसे संतों का भारत में अब होना बड़ा कठिन है, चाहे वो पथमेड़ा वाले महाराज जी हो, चाहे वो बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी हो, चाहे वह जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट वाले पूज्य गुरुदेव भगवान हो, चाहे वह मलूक पीठ वाले पूज्य महाराज जी जगतगुरु द्वाराचार्य श्री राजनदास जी महाराज जी हो, ऐसे संतों के दर्शन वर्तमान के समय में सतयुग स्वर्ण काल युग है, इस कलिकाल में ऐसे संतों के दर्शन करना ही परमात्मा के दर्शन करना है। बोलो जय सियाराम। तो हम आपको बता रहे थे कि भगवान को चिंता होती है, तो मामा जी का एक बाकिया है। जिन संत के बारे में हम बता रहे उनका शरीर तो नहीं है पर वो आज भी है, बिहार प्रांत के बक्सर जिले में पांडे पट्टी नामक गांव में आपका जन्म हुआ था, श्रीमन नारायण चतुर्वेदी जी के यहां। आहा बड़े अद्भुत महात्मा, गुरुजी ने इनका नाम श्री नारायण दास भक्तमाली जी रखा। होमगार्ड की नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ दी और गीतों को संगीतों को गा गा कर मंदिरों में जाकर जाकर के भगवान के भजन सुनाने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, भक्तमाल जी की कथा पढ़ने के लिए वृंदावन आना था तो यह पटना रेलवे स्टेशन पर गए, तो टिकट के लिए रुपया तो थे नहीं, पर इन्होंने सोचा अब जो होगा श्री किशोरी जी कृपा करेंगी, अब वहीं देखा जाएगा, और पटना रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ गए। अब टिकट है नहीं, कैसे जाएं? महात्मा आदमी कहीं टीसी पकड़ ले, बेइज्जती कर ले, जेल में डाल दे, अच्छा नहीं लगेगा। वहीं एक कोने में रेलवे स्टेशन पर बैठकर आंखों में आंसू भरकर रोने लगी, श्री किशोरी जी को प्रणाम करने लगे और आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। भैया आपने अपने मुंह से खुद इस घटना को कई बार कहा, भक्तमाली जी कहते हैं कि हमारे सामने बैठे हुए एक सरदार जी उठे और झट से अपनी टिकट निकाल कर बोले, क्यों बाबा दिल्ली जाना है क्या?
तो भक्त श्री मामा जी बोले कि हमको दिल्ली नहीं जाना, हमको तो वृंदावन जाना है, पर आप क्यों पूछ रहे? तो सरदार जी बोले, महाराज हमें कोई जरूरी काम आ गया और हमारी टिकट दिल्ली तक की है, हमें जरूरी काम से वापस जाना है, हमारा फोन आ गया, अगर तुम्हें दिल्ली जाना हो तो ये टिकट हमारी ले लो, हमारी टिकट स्लीपर में है, बढ़िया रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में बैठ करके चले जाओ। मामा जी कहते हमारी आंखों से आंसू आ गए, धन्य है किशोरी जी की कृपा, अचानक सब व्यवस्था कर दी और उन्होंने टिकट ली और श्री धाम वृंदावन पहुंच गए। भैया इस घटना से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम भगवान के भरोसे रहोगे तो तुम्हें अपनी चिंता स्वयं नहीं करनी पड़ेगी, भगवान को तुम्हें तुम्हारी सारी चिंता करनी पड़ेगी। आपकी चिंता भगवान की हो जाएगी, आपका काम भगवान का काम हो जाएगा, आपकी पीड़ा भगवान की पीड़ा हो जाएगी। और सांचौर के पागलों, मेरी आत्माओं, हम हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करके कहना चाह रहे हैं, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं, हमारे वीर बजरंग बली की हो जाएगी। हमारे हनुमान जी की हो जाएगी, व्यवस्था करने का काम हनुमान जी का हो, और हनुमान जी के लिए कवन सुकाज कठिन जग माही, कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर तुम भगवान के भक्त हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के साधक हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के उपासक हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतारोगे, अगर तुम हनुमान जी की पूजा करोगे, अगर तुम हनुमान जी का बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारी चिंता नहीं बचेगी, समस्त चिंताएं हमारे श्री वीर बजरंग बली की हो जाएंगी।